देखिए रोज़ मैं यूट्यूब पर नया नया डिश बना के दिखा रही हूँ। आज मैं परवल का भर के बना दिखाऊंगी, आप लोग देखिए भी, लाइक भी कीजिए, तब ना मैं खुश होंगी तो रोज़ बनाया बनाऊंगी। देखिए इसको परवल, इसमें परवल है, देखिए आज मैं परवल का बना रही हूँ नए तरीके से, ऐसा किसी ने भी यूट्यूब पर नहीं बनाया होगा। अभी मैं इसको फ्राई करूँगी, फ्राई करते हुए आपको दिखाऊँगी उसके बाद किस तरह बनता है ये भी दिखाऊँगी। देखिए मैं सरसों के तेल डाल रही हूँ, आधा केजी है तो 250 ग्राम से देना होगा सरसों का तेल। तो इसको पक रहा है, पकने के बाद दिखाती हूँ मैं परवल को फ्राई करना है। देखिए तेल गर्म हो गया, मैं इसमें परवल डाल रही हूँ फ्राई करने के लिए। देखिए तो ये इस तरह ये फ्राई कराया जा रहा है, ये फ्राई हो रहा है, फिर आपको दिखाती हूँ तैयार हो जाएगा। ये परवल फ्राई हो गया है, ठीक से आप लोग देख लीजिए, मैं बतला रही हूँ। इसको मैं निकाल के फिर दिखाती हूँ कैसे बनता है। देखिए तेल पक गया, ऐसे की पत्ता, दालचीनी, छोटी इलायची और बड़ी इलायची मैं दे रही हूँ। उसके बाद मैं प्याज डालूँगी, ये प्याज फ्राई हो जाएगा फिर आपको दिखाऊंगी कैसे फ्राई करना। देखिए फिर प्याज मैं कढ़ाई से तेल में डाली थी फ्राई करने के लिए। देखिए इसी तरह का फ्राई करना है, इसी तरह का फ्राई करना है। और इसे मैं अदरक लहसुन और एक प्याज इसे पीसी हूँ, वो इस टाइम आपको नहीं बताई थी। देखिए ये डाल रही हूँ, उसके बाद ये थोड़ा आधा केजी का बना रही है इसलिए हल्का हल्का कम मसाला देती हूँ। एक चम्मच हल्दी है, एक चम्मच लाल मिर्च है, कम तीखा खाती हूँ हम लोग इसलिए दे रही है। और दो चम्मच धनिया है, जीरा गोलकी का पाउडर है दो चम्मच, और दो चम्मच धनिया है, गरम मसाला है, नमक है दो चम्मच, इसी हिसाब से दे रही हूँ जितना बना रही हूँ उसी हिसाब से। आप लोग जैसा बनाइएगा उसी हिसाब से दीजिएगा, ये पक जाएगा फिर आपको मैं दिखाऊँगी कैसे किस तरह से बना भरते हैं। परवल देखिए रखा हुआ है, इसमें अभी भरेंगे उसके बाद आपको दिखाएंगे किस तरह से भरा जाता है। इसको मिलाऊंगी उसके बाद इसमें फिर परवल में भरूंगी, भरते हुए आपको दिखाऊंगी। इसमें ज़रा सा पानी डाल देती हूँ, मसाला सही से पक जाएगा, मसाला धो के पानी डाल दे रही हूँ, इससे ये भुना जाएगा, इसे इसके परवल में भरूंगी फिर आपको दिखाऊंगी। देखिए भुना गया पूरा मसाला प्याज का, अब ये तैयार हो गया है, तेल भी छोड़ देगा। अब मैं बंद कर रही हूँ इसको पूरा, देखिए मसाला तैयार हो गया, तेल भी छोड़ा, इसी तरह से आप लोग भी बनाइएगा। मैं बंद कर रही हूँ, मैं भर रही हूँ परवल में, परवल फ्राई करके रखी थी। देखिए ऐसे बीच से फाड़ना और इस तरीके से मसाला भरना है। देखिए एक परवल भर ली है और आपको भर के दिखाती हूँ दूसरा। छोटा चम्मच से दो दो चम्मच डालना है। देखिए दूसरा ही भर के दिखा रही हूँ, इसी तरीके से सब भरना है और पूरा भरा जाएगा तो मैं दिखा रही हूँ आपको। देखिए सब, देखिए सब भरा गया, आधा मसाला मैं भरी हूँ, इसी हिसाब से मसाला बनाएगी। इसे फिर जो बचा मसाला इस तरह से कढ़ाई में ऐसे बिछा देना है, ये आपको दिखाती हूँ मैं, इस तरह से बिछा के रखना है परवल। अब ये सब्जी मैं सब्जी भी बना बना के आपको दिखाऊंगी नए नए तरीका का, आप लोग देखते रहिएगा। देखिए सब बिछ गया, अब इसमें थोड़ा सा पानी दे दूँगी, इसको गलाना है और मसाला के साथ धीमा धीमा आँच में इसको चढ़ा दूँगी चूल्हा पर, और थोड़ा देर में इसको उलट पुलट के पूरा भून के बनाना है, पूरा इसको भुनना है तब टेस्टी बनेगा। अब धीमा धीमा आँच में क्योंकि ये फ्राई किया हुआ है ही, और उसका धीमा देखिए मैं इसको चूल्हा पर चढ़ा दी हूँ पानी दे के, थोड़ा थोड़ा देर में इसको चलाना है, पूरा सुखा के भून देना है, उसके बाद बन जाएगा भुना हुआ, दिखाऊँगी मैं कैसे बनता है। देखिए सब्जी बन के रेडी हो गया है परवल का, देखिए किस तरह का लाल लाल बना है, आप लोग भी बनाइए बना के खाइए, मैं आपको सब बतला दी हूँ किस तरह से बनना है।
देखिए।